लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश भर में बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। इसके तहत खरगोन के नवग्रह मंदिर में अल सुबह से ही हजारों भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान लोगों ने भगवान नवग्रह के दर्शन कर सत्यनारायण की कथाएं की और मनोकामनाएं पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर नवग्रह मंदिर में देश प्रदेश से भक्तजन पहुंचते हैं और नवग्रह देवता का पूजन करके साल के पहले त्यौहार से जीवन में सुख शांति के लिए मनोकामनाएं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मकर संक्रांति का महापर्व सूर्य की अगवानी का महापर्व है और सूर्य प्रधान है, प्राचीन नवग्रह मंदिर है। यहाँ पर सूर्य की प्रथम किरण का आगमन भी होता है। आज के दिन भगवान सूर्य का पूजन और उनके लिए विशेष दान का महत्व बताया गया, जिससे हमें वर्ष भर के लिए नवग्रह शांति की प्राप्ति होती है। प्राचीनतम श्री नवग्रह मंदिर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्यदेव माँ बगलाम की देवी और नवग्रह का महापूजन और अभिषेक होता है। उसके पश्चात सूर्योदय के समय भगवान की महाआरती की जाती है। महाआरती में 5 से 1 किलो तेल गुड़ के मोदक की महाप्रसादी का भोग लगता है। इसके पश्चात दिन भर सत्यनारायण कथापाठ के आयोजन भी होते हैं। यहाँ पर सत्यनारायण कथापाठ और दर्शन पूजन करने से हमें ग्रह शांति प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा का कारक है, जिससे हमें आत्मबल मिलता है और शरीर निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।